चल को चल चल शाबाश ओए चिंटू चिंटू इसे ना बाइक पर उनके मेरा हाथ पकड़ लियो रोको उसने मेरे ऊपर अटैक करा बदला लेना। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉक चैनल। और गाइस गुड मॉर्निंग इस वजह से नहीं बोल रहा बिकॉज भाई गुड मॉर्निंग हो ही नहीं रही। आज एक व्लॉग की स्टार्टिंग में शाम के टाइम कर रहा बिकॉज भाई रोज रोज का रूटीन दिखा दिखा मैं भी बोर हो गया, आप लोग भाई बोर हो गए होंगे। कोको देखो भाई कैसे धूप में लेट रही या भाई आज मेरे से रूस रही। मैं भाई थोड़ी देर पहले नहाया था ना, सभी को पता भाई कोको नहाना कितना ज्यादा पसंद है या भाई जिद कर रही थी नहाने की। मैंने दमका का भगा दी धूप में लेट गई। चल अंदर चल हमारी तो भाई एक मिनट में बैंड बज जाएगी धूप में खड़े होने से। और गाइस धूप में लेट रही आराम से। और गाइस रोक हमारा ये घूम रहा रेड किंग भाई के अंदर बंद कर दिया था बिकॉज भाई रोक है ना यहाँ पे। और गाइस थोड़ी देर मैं घुमाने भी लेके जाऊंगा आज भाई रोक को टाइगर गैंग से मिलवाना क्योंकि भाई आप लोगे बार बार कमेंट आ रही थी कि रोक रोमन से मिलो। लो भाई सिम्बा आ गया, फिलहाल तो भाई सिम्बा मिल रहा है। वैसे भाई कमेंट तो ये भी आ रहे थे कि रेड किंग से मिलो, बट भाई रेड किंग के साथ ट्राई करेंगे। पहले भाई आज रोक के साथ रिएक्शन ले लेंगे। अगर भाई ज्यादा भयंकर रिएक्शन आया फिर तो भाई लेने के नहीं, अगर थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन आया फिर भाई रेड किंग का नंबर है। अभी तो भाई मैं लेकर जा नहीं रहा बिकॉज भाई धूप निकल रही बहुत खड़ी। और एक गाय सिम्बा के पैर में आराम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ये देखना भाई कैसे जरा लगड़ा था रेड किंग के पास जा लिया सीधा। थोड़ी देर बाद रेड किंग को बाहर निकाल लूंगा। अभी भाई रोक घूम रहा है यहाँ पे। जो रेड किंग अभी बाहर आ गया ना रेड किंग रोक का गुट मारेगा, रोक इसका गुट मारेगा। अभी तो भाई ना युद्ध छिड़ जाएगा इस वजह से। जब रोक नीचे चले जाएगा जब बुलाऊंगा बुलाऊंगा नहीं आई मैं बाहर निकाल लूंगा समझ रहे हो। तो गाइस रेड किंग को खुला छोड़ दिया। और गाइस देख लो दोनों ने एक साथ ही मुत्ता, इससे भाई इनकी दोस्ती का पता चल रहा है। मजाक कर रहा भाई। अब भाई रोक और कोको को लेकर चलता हूँ इतना भाई रेड किंग सिम्बा के साथ खेल लगा। और गाइस रेड किंग को रात को लेकर जाऊंगा बट भाई उससे पहले इनके पट्टे वट्टे ले आऊं। ओए सिम्बा ये कहां जा लिया गया। सिम्बा लंगड़ा रहा बट भाई फिर भी अपनी बदमाशी से बाज नहीं आ रहा। ये देखना भाई इसका दुश्मन है ना यहाँ पे। सिम्बा को एक बार ऊपर छोड़ देता हूँ वरना भाई पीछे पीछे आ जाएगा। चोट लग रही इसकी वजह से नहीं लेकर जा रहे। देखना अभी कैसे लंगड़ा लग रहा सिम्बा। चल ऊपर। और गाइस आज रोक्सी को लेकर जाने के बिकॉज भाई रोक्सी बीच में से भाग जा फिर। कल भाई हम सबको छोड़कर भागी थी, पता नहीं भाई क्या हो गया था इसका। रोक्सी क्या हुआ था तेरा कल? रोक्सी तो घर पर ही रही है कभी मारे पीछे पीछे आवे। तो गाइस अब एक काम करता हूँ कोको खेत में ले जाने से पहले एक दो बार भाई से दीवार पर चढ़ाता हूँ। कोको चल दीवार पर चढ़ कर दिखा। जाली भाई देखो सीधी दीवार के पास ही जाली। तो ओ भाई साहब आज तो भाई खड़ी खड़ी चढ़ गया। अब तो भैया पूरी परफेक्ट हो रही। तो गाइस एक दो बार और इसे दीवार पर चढ़ाता हूँ। और गाइस कोको की हल्की हल्की ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो भाई देखो टायर में लगे पड़े, दो तीन बार भाई से दीवार पर चढ़ाता हूँ फिर भाई थोड़े टाइम बाद देखने से बिल्कुल रोक के जैसा बना दूंगा जैसे भाई मैंने पहला रोक बिल्कुल परफेक्ट बना दिया था ना एकदम से। तो भाई कोको बन जाएगी नहीं बट भाई धीरे धीरे बन जाएगी। अभी तो भाई फिलहाल इसे दीवार पर चढ़ाता हूँ तीन चार बार। टायर को भाई दीवार पर रख दिया। और गाइस देखना खड़ी खड़ी उतार लिया। अब तो आपकी पीछे छोड़िए सर जाली भाई जाली कोशिश तो कर रही बट भाई अभी इतनी भी ज्यादा परफेक्ट नहीं हुई। पीछे खींच ले। ओए रोक नहीं नहीं सबसे पहले तो भाई रोक को अंदर करता हूँ वरना भाई अपने पैर में दिक्कत करवा लगा क्योंकि भाई उसके पहले से चोट लग रही। एक हिस्सा देखो भाई गोद में ले रखा इसने। जाली भाई जाली जाली ओ भाई साहब टायर के पास तो जाली थी बट भाई उतार कर लाई। कोको उतारा क्यों नहीं दोबारा छोड़िए। चल कोको चल चल जाली जाली ओ भाई साहब मार का आगी। पैर भाई थोड़ा मोटा हो गया ना इसके मुंह में नहीं फंस रहा अच्छे से। अब भाई खेत में लेकर चलता हूँ। तो गाइस हो गया अपने तीनों डॉग रेडी चलते हैं लेकर। तीसरा भाई हो रहा चिंटू बस मान जाओ। और गाइस हमारे पीछे रोज लग जा। तो गाइस अभी फाइनली इन दोनों को लेकर खेत वाले रास्ते पे आ गए। सामने भाई जिम्मी खड़ी कोको की दुश्मन। जिम्मी के साथ भाई कोको का 36 का आंकड़ा है उसे पहले ही पकड़वा दिया। और गाइस दोनों के दोनों छोटे छोटे से पड़े हो बट भाई पूरे चरचरे या भाई जिम्मी भी पूरी चरचरी है। और गाइस कोको को सभी को पता ही है बट भाई अभी तक टाइगर गैंग नहीं दिख रही। टाइगर गैंग शायद अभी तक आई नहीं। वे भाई थोड़े लेट आया अपने डॉग्स को लेकर इतना भाई ना घुमाते फिरते हैं साथ इन दोनों की दोस्ती करवाते हैं। देखना भाई दोनों दोनों कितने पास पास खड़े हो गए। वैसे तो भाई सामने से कोई सभी अटैक नहीं करता इन दोनों में से। देखते हैं भाई इन दोनों की दोस्ती हो गया क्या। कोको अटैक ना करिए एकदम से भाई खींच लगे अगर कुछ गड़बड़ हुई। अभी तो भाई तीन चार डॉग खेत में थोड़ी देर बाद देखना भाई डॉग्स ही डॉग्स हो जाएगा यहाँ पे। रुको जरा रोको तो खुला भी छोड़ दिया क्योंकि अभी तक इसका दुश्मन नहीं आए। वैसे भाई मन तो मेरा कोको को भी छोड़ने कर रहा। कोको बुड़का ना भर लिया बस तो जिम्मी का ठीक है। गर्मी बहुत हो रही मैं तो आराम से आगे बैठ गया। चिंटू मेरे पास आगे खड़ा हो गया। ये देखना भाई चिंटू के लाड से कर रहा मैं। अभी तक कोको को पता नहीं चला। कोको भाई चिढ़ जा चिंटू तुरंत आकर टक्कर ही मार दी पटक दिया बेचारा। ओनली चिंटू की तरफ को नहीं करती। अगर भाई मैं रोक का लगाओ कर दूं या फिर रेड किंग का कर दूं या फिर सिम्बा का कर दूं सबको पीटता है या नू कहेगी बस ओनली मेरा मेरा कर। जिम्मी को देखो भाई मेरे पास आ गई। और गाइस मुझे अभी तक पहचानना है क्योंकि भाई मैंने पकड़ी दिया इस बेचारी को रोड पर छोड़कर जा लेता। वैसे भाई मुझे एक दिक्कत कोको की भी हो रही। अभी तो भाई कोको उस साइड को जा रही है। अगर कोको को पता चलेगा ना कि मेरे पास आ रही है हत्या लपेट देगी। जिम्मी को देखो रोक के पास जाकर बैठेगी। देखना भाई दोनों कितने ज्यादा क्यूट लग रहे। तो गाइस अभी मेरी टाइगर के ओनर से बात हुई आने लग रहा भाई वो टाइगर और रोमन को लेकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखना भाई जिम्मी को कैसे लोटपोट होगी। कोको आ गई इन दोनों के बीच में। बस भाई कोको की फाइट वाइट ना हो जाली भाई वो तो चिंटू के पास जाली। इसे शांति बस थोड़ी देर गया फिर तो भाई टाइगर गैंग आ जाएगी उनके साथ नहीं भाई रोक और कोको को ऐसा खुला छोड़ सकते समझ रहे हो। तो गाइस अभी रोक को बांध लिया सामने से भाई टाइगर गैंग आने लग रही। वैसे भाई बांधना तो कोको को पड़ा था क्योंकि भाई रोमन के साथ इसकी भी दुश्मनी है। जल्दी बांध ले कुछ नहीं कहने की बांध ले भाई फिर से भाग गई। कोको यहां जा रुक जा जल्दी पकड़ लो आने लग रहा भाई सामने से रोमन। रोक देखो भाई पूरे जोर लगा रहा क्योंकि भाई रोक ना चेस्ट बेल्ट पहन रखी। और गाइस पावर तो इसके अंदर पहले से ही है। आपकी बिल्कुल ना छोड़िए ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखना भाई रोक का सारा ध्यान रोमन के ऊपर है। कोको के साथ तो उसकी पहले से ही दुश्मनी है। साले को बम से उड़ा दूं। आज इन दोनों के साथ एक पाकिस्तानी बुल्ली का डॉग आ रहा दिखाता हूँ भाई। ये रहा भाई वो पाकिस्तानी बुल्ली का डॉग। वैसे भाई ये वाली ब्रीड सबसे बेस्ट है चिंटू वाली ब्रीड है भाई ये मजाक कर रहा था पाकिस्तानी बुल्ली ब्रीड नहीं है। चिंटू भाई घूम फिर कर रोक के पास ही जा लिया। पहले भाई उन दोनों को देख आया फिर भाई रोक के पास जाकर कान में घुसर घुसर करी कि यहाँ दुश्मन है। अरे क्या होगा
कुछ खा लिया उल्टा सीधा। पहले दूर दूर से मिलवाइए बहुत आराम से। रोमन भाई छोटे बच्चों के ऊपर एग्रेशन कर रहा है, जितने भी कम एज के हट जाओ। और गाइस पहले ना दूर दूर से मिलवाऊंगे, क्या पता भाई इन दोनों की दोस्ती हो जाए। बात तो सही है, क्योंकि भाई रोक स्टार्टिंग में एग्रेशन नहीं करता, पूंछ हिलाने लग रहा देखो। बट भाई अगर रोमन ने एक बार भी एग्रेशन करा फिर भाई साइड से रोक भी एग्रेशन करने लगा। कोको को तो भाई पहले ही पीछा कर रखा, कोको के साथ उसकी दुश्मनी है। ओए ओए आ गया भाई आ गया। स्टार्टिंग में भाई रोमन ने एग्रेशन करा, अब भाई रोक को पता चल गया कि इसके साथ दोस्ती नहीं होनेगी। आ गया भाई रोक पूरे करंट में आ गया। ओ भाई साहब रोक का एग्रेशन देखो। और गाइस रोमन तो कर रही है एग्रेशन, ये देखना भाई आग लाल होगी रोक की बिल्कुल। एक बार हाथ में आ जाए तो बिल्कुल टाइट रहा क्या की तेरे हाथ में भाई, तू भी बिल्कुल टाइट रहा की। ओ भाई ओए चिंटू 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 पकड़ लो भाई को ऐसा। चिंटू भाई पूरी स्पीड से गया था इसकी तरफ, क्योंकि भाई आज चिंटू के दोस्त के साथ एग्रेशन हो रहा। बस शांत कर ले बिल्कुल, इसने भाई तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया होता। यो भाई शायद इस वजह से एग्रेशन कर रहा, क्योंकि भाई रोमन के साथ करवा रहे थे ना मैं एग्रेशन, इसने तो मेरा हाथ पकड़ लिया होता। वो तो भाई मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जिस करके हाथ मेरा बच गया। ओए तन्ने क्यों लगा लिया? अरे इन्हें कुछ नहीं कर रहा, मेरे ऊपर ही कर रहा बस एग्रेशन। चीटिंग करता है तू। और गाइस इसमें टाइगर की गलती नहीं है, क्योंकि भाई मैं इसके साथ एग्रेशन करवा रहा था ना। ये देखो भाई कैसे घूम भाई टाइट रखो, रुको जरा सबर करो। अब भाई एक काम करते हैं, रोक को टाइगर के साथ एग्रेशन करवाते हैं। रोक उसने मेरे ऊपर अटैक करा ठीक है, बदला लेना साले को बम से उड़ा दूंगा। मतलब भाई फाइट वगैरह नहीं करवा रहे, दूर से एग्रेशन करवा रहे। और गाइस रोक को अपने हाथ में लेता हूँ, क्या पता भाई इसका हाथ में छूट टूट जाए। रोमन के साथ तो भाई इसकी बची गई होती, मतलब टाइगर के साथ एग्रेशन करवा था, पीछे से एकदम से रोमन आ गया। और गाइस इसने अपना फेस तुरंत रोमन की तरफ कर लिया, देख लो भाई एग्रेशन करते करते भी कितना ज्यादा ध्यान था इसका। शाबाश बेटा, पूरी रोड पर डॉग्स ही डॉग्स हो गए। और गाइस इस बार रोक खेत में मिलवाऊंगे, क्योंकि भाई यहां पर रोड है पक्की, फिर भाई इनके पैर वैर छिल जाओ। ये देखना भाई रोक अकेला रहेगा सामने से, भाई दो दो खुंखार है भाई बिल्कुल टाइट रहा। चिंटू को पकड़ लो पहले कोई सा, क्योंकि भाई चिंटू बीच में गड़बड़ करता है। बस 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 रोक बस बस। तो गाइस अभी रिलैक्स करते हैं। रोक भाई ज्यादा गुस्से में आ गया, कमर के बाल देखो बिल्कुल खड़े हो गए। साले को बम से उड़ा दूंगा। और गाइस टाइगर को देखो भाई इसका साथ दे रहा रोमन। बस बस ओ भाई अलग कर लो अलग कर लो। रोक भाई ज्यादा ही गुस्से में आ गया। रोक नु कह रहा मेरा पुराने वाला रूप ना जगवाओ ना रेड किंग गुल्ला। तो गाइस अब इन सबको रिलैक्स कर दिया, क्योंकि भाई एग्रेशन कर करके सारे के सारे थक गए थे। और गाइस देख लो थोड़ी देर पहले कैसा युद्ध का मैदान बन गया था भाई ये पूरा पूरा, क्योंकि भाई ना खुला छोड़ कर वैसे मिलवा नहीं सकते इनका, भाई एग्रेशन नहीं करवा सके। और गाइस रोक ने भाई पूरी मौज कर दी, रोक पीछे नहीं हटा। वैसे तो भाई इसके पैरों में दिक्कत आ रही, बट भाई फिर भी पहले वाला करंट है इसमें। और गाइस रोमन का रूप देख, ओ भाई साहब इसकी मेरे साथ दुश्मनी होगी। अब नहीं भाई मैं टाइगर के पास जाने का, आज तो भाई से मेरा हाथ ही पकड़ लिया होता। वैसे तो भाई मैं जाता रहूंगा टाइगर के पास, अब नहीं भाई बिल्कुल भी जाऊँ। फिर कोको के पास जाकर बैठ गया। और गाइस कोको का भी देर से तुड़ बुढ़ा रही, सोच रहे भाई एक बार कोको का भी एग्रेशन करवाते हैं, इसके अंदर का भी करंट सा निकल जाएगा। बिल्कुल एकदम से नहीं करवा रहे, थोड़ी देर का ना टाइम देते हैं। हाँ पर बुरी तरह से गर्मी हो रही ना, इतना भाई भी सस्ता लेंगे। थोड़ी देर में एक दोस्त और आने लग रहा, उसके पास भाई डोगर अर्जेंटिनो का पप्पी है, जो भाई मैंने एक बार वीडियो में पहले दिखाया भी था थोर नाम का, वो भी आने लग रहा भाई अपने डॉग को लेकर। अच्छा तो गाइस काफी देर हो गई और गाइस मौसम भी ठंडा हो गया, कोको वर्सेस टाइगर रोमन करवाते हैं। वे आ लिए भाई दोनों के दोनों। तो गाइस बहुत हो गया एग्रेशन, भाई पीछा करते हैं रोमन के साथ, तो भाई पहले से ही दुश्मनी कोको की। और गाइस सामने से थोर भी आने लग रहा है, डोग अर्जेंटिनो का पप्पी उससे मिलवाते हैं। और गाइस अब तो थोर काफी बड़ा हो गया, वैसे तो भाई इसकी एज कमी है इसे, भाई सबसे पहले तो कोको से मिलवाते हैं, कोको के साथ देखते हैं दोस्ती हो गया। वैसे तो भाई दोनों दोनों आराम से मिल रहे, चिंटू भी आ गया पीछे से। चिंटू बुड़का ना भर लिए नहीं, रोक के पास भाई थोड़ा दूर दूर से ले जाकर देखेंगे। अगर भाई सामने से अटैक ना करा फिर तो भाई कोई दिक्कत है नहीं। ये देखना भाई कितने आराम से मिल रहा रोक, बस भाई उसके ऊपर अटैक करा जिसके ऊपर अटैक करा सामने से, समझ रहे हो। वैसे तो भाई साइज दोनों का सेम सेम सही है, बट भाई ये है कि लड़ाई नहीं हो रही इनकी। थोर को बांध लिया बिकॉज भाई रोमन के पास जा लिया था, क्या पता भाई थोर अपनी टीम में ही आ गया, क्योंकि भाई रोक के साथ दोस्ती होगी। और गाइस टाइगर गैंग वहाँ पे है, अब भाई एक करके सभी को लेकर चलते हैं, फिर भाई रेड किंग को भी लेकर आना। और गाइस रेड किंग ने सिम्बा की रील बना रखी थी, ये देखना भाई इसकी कैसी हालत बना रखी। आ गया भाई रेड किंग फिर से इसके पास, अब भाई सबसे पहले तो रोक को अंदर करता हूँ फिर भाई रेड किंग को लेकर आऊंगा। अगर भाई इन दोनों की दोस्ती होती ना फिर तो भाई कोई दिक्कत थी नहीं, बट भाई चलो कोई नहीं कर रहे एडजस्ट। और गाइस इन दोनों की दोस्ती करवाने की मैं कोशिश कर रहा, आप लोग भाई नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आइडिया बताना कि कैसे इन दोनों की दोस्ती करवाऊंगा। रात के टाइम घुमाने का एक फायदा ये रहा है कि ज्यादा डॉग वगैरह नहीं मिलते। और गाइस कोई कोई तो इतना ज्यादा डर जाता कह रहा मर यो भाई बंद का साइड में जा रहा, एक पता क्या बोला बोला मर गया मां के बाद बोला खा दिया मगर बिना ही बात हो भाई नोटंकी कर दी इनका मर गया खा दिया के ज्यादा ड्रामे बात। और गाइस वीडियो के एंडिंग में यही पे करता हूं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें।